नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, कुछ समय पहले एक ऐसी घटना हुई थी जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई, और वो एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म पर हुई थी कि कमोडिटी के प्राइस नेगेटिव गए थे। और दुनिया में कभी भी कहीं भी किसी भी कमोडिटी के प्राइस आज तक नेगेटिव नहीं हुए हैं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत बड़े लॉसेस भी लगे हैं, और अब यह मैटर हाईकोर्ट में पेंडिंग भी है। आज दोस्तों, एक ये वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। एक कंप्लीट केस स्टडी है नेगेटिव प्राइसिंग पर, और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है इस पर, और बहुत सारे रियल फैक्ट्स को मैं लेकर के समझ करके फिर आपके सामने वीडियो बनाकर लेकर आ रहा हूं, और लॉजिकली आपके सामने सारी बात भी रखूंगा। सबसे पहला प्रश्न आता है दोस्तों, क्या कमोडिटी की प्राइसिंग नेगेटिव हो सकती है? क्या किसी चीज की कीमत नेगेटिव हो सकती है? आंसर इज यस, हो सकती है। अब बहुत से लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, एक रुपए की चीज है उसकी कीमत एक रुपए तो रहेगी, माइनस दो रुपए कैसे हो सकती है? तो दोस्तों, एक बात को समझिए। यदि मान लीजिए मैं किसान हूं, मेरे खेत में फसल खड़ी है गेहूं की, और मार्केट में गेहूं के दाम हो गए हैं एक रुपए किलो या बिल्कुल खत्म हो गए, कोई लेने को तैयार नहीं है। इतना गेहूं हुआ है कि सबने अपने अपने घरों में स्टोर कर लिया अपने एक साल का, और उसके बाद भी गेहूं का भंडार भरा पड़ा है, कोई लेने को तैयार ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, मुझे वो कमोडिटी का प्राइस बिल्कुल जीरो हो गया, लेकिन मेरा कुछ माल, मेरा कुछ सामान खेत में अभी भी रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, और मुझे खेत खाली भी करना है क्योंकि अगली फसल के लिए मुझे खेत तैयार करना है। यह एक व्यापारी को वेयरहाउस खाली करना है क्योंकि उसको अगले सीजन के लिए वेयरहाउस किराए पर किसी और को देना है। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, चूंकि उसने पूरे साल उस कमोडिटी से कमाया है, अब वो देखता है कि थोड़ा सा स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर इसको मैं निकाल भी देता हूं, फ्री में भी देता हूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है फ्री में दे दूं, लेकिन फ्री में भी कोई लेने को तैयार नहीं क्योंकि बायर के पास ऑलरेडी माल बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो ऐसे में वो कहता है चलो, मेरे को इस माल को रखने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, मैं कुछ पैसा किसी को दे देता हूं, और ये माल खाली हो जाए तो मुझे फायदा उसमें भी होगा, क्योंकि वेरा उसके चार्जेस मान लीजिए 10,000 रुपए हैं, और यहां पर वो किसी को कहता है कि 2,000 रुपए मैं देता हूं आपको, सामान भी फ्री दे रहा हूं, आप ले जाओ ताकि मेरा वेयरहाउस खाली हो जाए। तो यहां उसने सामान भी दिया, 2,000 रुपए भी दे दिए, उसका वेयरहाउस खाली हो गया, अगले सीजन के लिए वो तैयार है पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो सामान उसने उसको मुफ्त में दे दिया और साथ में पैसे भी दे दिए, तो प्राइसिंग नेगेटिव हुई। लेकिन दोस्तों, ये नेगेटिव प्राइसिंग जो है, ये केवल और केवल उस प्रोडक्ट पर ही असर करेगी, दूसरी जगह के प्रोडक्ट पर या दूसरी डिमांड पर इसका असर नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ भी था कि जब 20 फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट था वो नेगेटिव गया था, लेकिन आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव नहीं गए थे, क्योंकि एक महीने बाद की स्थिति थी, वहां उनको पता था कि यह स्थिति ऐसी रहने वाली नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर आज के डेट में कोई माल खरीदने वाला ही नहीं था, रखने की जगह ही नहीं थी, वेयरहाउसेस खाली करने थे उनको, अपने गोदाम से उस चीज को उनको हटाना था। तो ऐसे में उन्होंने डिस्काउंट ऑफर दिया, माल भी दिया और पैसा भी दिया। तो आपको बात समझ आई होगी दोस्तों कि कमोडिटी की प्राइसिंग नेगेटिव हो सकती है। दूसरे तरीके से समझते हैं दोस्तों, जब हम एक मकान बनाते हैं तो रोड़ी, सीमेंट, बजरी सब कुछ ला करके मकान बनाते हैं, जब वही मकान हम डिमोलिश करा देते हैं तो मलबा इकट्ठा होता है। अब हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, मलबा भी दे रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं खाली करने का, क्योंकि आपको वो जगह खाली चाहिए। तीसरी चीज से समझते हैं दोस्तों, आपकी मिट्टी है, कीमती है, यदि कोई आपसे खरीदने आ रहा है आप उससे पैसा लेंगे, लेकिन यदि आपको वहां पर अंडरग्राउंड कुछ बनाना है तो वहीं पर आप मिट्टी भी देते हो और पैसा भी देते हो। तो नेगेटिव प्राइसिंग हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही होती है। इसीलिए अगर हम यह सोचे कि नेगेटिव प्राइसिंग नहीं हो सकती है तो हमारा सोचना गलत है, नेगेटिव प्राइसिंग कमोडिटी की हो सकती है। तो बात आती है क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव ट्रेड कर सकता है? तो दोस्तों, इसका आंसर भी है यस, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव ट्रेड कर सकता है। आप बोलेंगे कैसे? तो यहां पर तीन चीजों को समझना जरूरी है दोस्तों। एक होता है फिजिकल मार्केट, जहां पर वो चीज हकीकत में खरीदी और बेची जाती है। दूसरा होता है एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर भी माल खरीदा और बेचा जाता है, लेकिन उस माल की डिलीवरी एक पर्टिकुलर डेट पर ही होती है, ना उससे पहले होती है ना उसके बाद में वो एप्लीकेबल होगी। और तीसरी चीज होती है स्पेकुलेशन,
जहां पर केवल भाव ऊपर नीचे होगा उसका लॉस प्रॉफिट होगा, लेकिन डिलीवरी ना दी जाएगी ना ली जाएगी। तो फिजिकल के अंदर एक ही तरह का ट्रेड होता है, जहां पर माल दिया जाता है और माल लिया जाता है, और वहां पर ट्रेड स्पॉट प्राइस में होता है। मान लीजिए $10 की कोई चीज है, मैं गया, मैंने $10 दिया और $10 में वो चीज लेकर आ गया। अब जब मैंने उस चीज को खरीद लिया तो उसके बाद की सारी लायबिलिटी सब मेरी है, उसको रखने का खर्चा, जो भी कुछ उसका नफा नुकसान है, सब मेरा है। लेकिन जब उसी चीज की ट्रेडिंग फ्यूचर के अंदर होती है तो यहां पर एक पर्टिकुलर डे फिक्स किया जाता है कि भाई इस दिन इस कमोडिटी के प्राइस और स्पॉट के प्राइस बिल्कुल बराबर होंगे। यहां पर दोस्तों एक चीज को समझने वाली बात है कि यहां पर कॉन्ट्रैक्ट भी फिर दो तरह के होंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक वो जो डिलीवरी बेस्ड है, एक वो जो नॉन डिलीवरी बेस्ड है। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट में आपको डिलीवरी लेनी और देनी पड़ेगी अगर आपका लास्ट डे तक सौदा खड़ा रहा तो, और दूसरा होता है नॉन डिलीवरी, जिसके अंदर सौदा लास्ट डे तक खड़ा रहा तो आपको डिलीवरी ना देनी है ना लेनी है, वो सेटल हो जाएगी। अब बात समझने की बात यहां पर यह है दोस्तों कि जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई चीज ट्रेड हो रही है तो वो हमेशा स्पॉट के रेट को देख करके फ्यूचर के रेट को वो कैलकुलेट करते हैं कि इसका भाव ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। और ये इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने बिजनेस के अंदर ये मालूम कर सके कि फ्यूचर में आपके कमोडिटी की प्राइस ऊपर रहने वाली है नीचे रहने वाली है। जब यदि आप व्यापार बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है किसी चीज का, तो यहां पर फ्यूचर की प्राइसिंग को भी कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, और उसको कैलकुलेट करने का तरीका भी ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो आपको ये बता देते हैं कि आने वाले टाइम में इस कमोडिटी की डिमांड बढ़ने वाली है कम होने वाली है। अगर फ्यूचर के प्राइस प्रेजेंट के स्पॉट प्राइस से ऊपर चल रहे हैं, इसका मतलब डिमांड कंटिन्यू रहने वाली है। लेकिन अगर उसकी रेट, फ्यूचर की रेट जो है वो करंट जो स्पॉट रेट है उससे नीचे होंगे, तो समझ जाइए कि फ्यूचर में इसकी डिमांड कम होने वाली है। और उसी के आधार पर कंपनी अपने प्रोडक्शन निर्धारित करती है। अब बात आती है कि फिर फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट और स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में फर्क क्या होता है और किस तरह से सेटल होता है, और क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नेगेटिव ट्रेडिंग हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है दोस्तों, क्योंकि जब व्यक्ति स्पॉट में कोई चीज खरीदने जा रहा है तो उसे पूरी कीमत देनी पड़ती है और माल उसको उसी वक्त मिल जाता है। लेकिन मान लीजिए मुझे माल की जरूरत आज नहीं है, मुझे 20 दिन बाद जरूरत है, तब मैं क्या करूंगा? मैं आज माल लेके कहां रखूं, क्योंकि मुझे तो जरूरत 20 दिन बाद है, तो बिना वजह 20 दिन का मुझे उसके रखने का खर्चा भी तो देना पड़ेगा। तो यहां पर मैं फ्यूचर के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट में मैं एक ट्रेड करता हूं कि ठीक है, मुझे 20 फरवरी की डेट में मैं आपसे माल ले लूंगा और मुझे माल चाहिए, लेकिन किस भाव में चाहिए? जो आज का भाव चल रहा है, यानी कि स्पॉट को लेकर के जो फ्यूचर के भाव चल रहा है, मैंने उस रेट पर एक सौदा कर लिया। यानी मान लीजिए वहां $20 का भाव था और मैंने $20 में एक सौदा कर लिया कि अब ये माल आपका जो है ये $20 में मैं खरीदूंगा, और ये आप मुझे कब देंगे? 20 तारीख को देंगे, उस पर्टिकुलर डे पे देंगे। लेकिन बात आती है फिर आप पैसा कितना देंगे उसको, तो क्या पूरा पैसा देंगे उसको? अगर पूरा पैसा ही देना है तो आप कहेंगे मैं फ्यूचर में लेकर रख लूंगा ना, अगर मेरे पास तो जगह भी है। तो सिर्फ फ्यूचर में वही ट्रेड करने आएगा जिसको आज नहीं चाहिए, 20 तारीख को चाहिए। लेकिन यहां पर आप क्या कह रहे हैं कि भाई 20 तारीख को लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक कमिट कर रहा हूं कि जिस रेट में मैं आज आपसे सौदा कर रहा हूं इसी रेट में मैं आपसे चीज खरीदूंगा। अब यहां पर एक्सचेंज क्या करता है, आपके इन दो वायदे सौदों को एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनता है जिसे हम एक्सचेंजेस कहते हैं। एक्सचेंज क्या करता है, बायर से भी और सेलर से दोनों से एक पर्टिकुलर अमाउंट लेता है, कुछ परसेंटेज लेता है। मान लीजिए 5% या 10%, जो भी मार्जिन हो, क्योंकि अगर सेलर ने माल देने से मना कर दिया तो, और बायर ने माल लेने से मना कर दिया तो ऐसे में वो दोनों से पैसा लेता है। एक्सचेंज दोनों से सिक्योरिटी मनी रखाता है और अपने प्लेटफॉर्म पर उन्हें सौदा करने की इजाजत देता है। अब मान लीजिए एक बायर ने $20 में एक चीज खरीदी और एक सेलर ने $20 में एक चीज बेची है। अब प्राइस यदि $10 ऊपर हो गए तो जो बायर था उसको प्रॉफिट हुआ और सेलर को लॉस हुआ। लेकिन यहां पर अगर मान लीजिए सेलर ने माल देने से मना कर दिया तो,
तो यहां पर एक्सचेंज उसे एक्स्ट्रा मार्जिन लेता है कि भाई आपका माल जो है जिस रेट में आपने कमिट की है मार्केट उससे ऊपर चला गया, आपको पैसा देना पड़ेगा। तो सेलर यहां पर मार्जिन देता है और अगर रेट नीचे आ गई तो बायर यहां पर मार्जिन देता है। लेकिन प्राइस यदि मान लीजिए जीरो हो गई तो जीरो तक की प्राइस का मार्जिन एक्सचेंज बायर से लेगा और सेलर को वहां तक के मार्जिन का पैसा उसके अकाउंट में जमा रहेगा क्योंकि यहां उसको बेनिफिट है। लेकिन सौदा अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अब मान लीजिए प्राइस नेगेटिव आ गई है स्पॉट मार्केट में और यह कॉन्ट्रैक्ट है जो फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि फिजिकल डिलीवरी यहां पर होगी लेकिन ट्रेड फ्यूचर में हो रहा है तो क्या होगा? अगर मान लीजिए बायर ने कहा है मैं $20 में ले लूंगा पर अगर उसने पर्टिकुलर 20 तारीख को अगर वो माल लेने से मना कर दिया और उस दिन भाव यदि मान लीजिए -$25 हो गया तो नुकसान किसको होगा? सेलर को नुकसान होगा क्योंकि बायर तो मुकर गया। तो यहां पर एक्सचेंज कहता है कि अगर आपको माल लेना है 20 तारीख की डेट में तो आपको तब तक की रेट का प्लस माइनस भी आपको एक्सचेंज को देना पड़ेगा। तो आप यहां पर जीरो के बाद में भी नेगेटिव प्राइस जाने पर भी आपको वो पैसा देना पड़ेगा एक्सचेंज को सिक्योरिटी के तौर पर मार्जिन के तौर पर। अब बात आती है कि व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है? उसको इसलिए करना पड़ रहा है दोस्तों क्योंकि यदि वो स्पॉट में खरीदने जाएगा तो उस दिन से लेकर के जिस दिन डिलीवरी की डेट यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में उस दिन तक का उसको वेयर हाउस का चार्जेस भी तो देना पड़ेगा और हो सकता है कि तब तक का वेयर हाउस उसके पास में अवेलेबल ही ना हो तो क्या करेगा? उसे माल तो उस पर्टिकुलर डे पे ही चाहिए, उससे पहले नहीं चाहिए लेकिन वो कमिटेड है $20 में खरीदने के लिए। तो यहां पर एक्सचेंज उससे 20 तारीख की डेट तक का जितना भी नेगेटिव नीचे जा रहा है वो सारा पैसा उससे लेगा अगर उसको सौदा खड़ा रखना है तो। अगर वो सौदा खड़ा नहीं रखना चाहता है तो क्या करें? वो स्पॉट में जाकर के वहां पर जाकर के फिजिकल माल खरीद सकता है और यहां कॉन्ट्रैक्ट में वो अपना माल बेच सकता है तो उसकी रेट जो होगी वो $20 ही होगी क्योंकि अगर मान लीजिए आज -$10 का भाव आ गया तो मार्केट में फिजिकल में भी तो -10 है तभी तो फ्यूचर भी -10 है। तो जब वो मार्केट में जाकर उस चीज को खरीदेगा तो उसे माल भी मिलेगा $10 भी मिलेंगे और यहां वो अपना लॉस बुक करेगा तो यहां $10 उसने दिया तो जो मार्केट से वो $10 उसको माल के साथ मिला वो लॉस उसका यहां कवर हो गया, माल उसको माल की जगह मिल गया और उसकी कीमत $20 ही रही है यानी जिस रेट में उसने सौदा किया था। लेकिन यदि मान लीजिए फिजिकल मार्केट में आज नहीं खरीदना चाहता उसे तो 20 तारीख को ही चाहिए तो यहां पर उसे 20 तारीख की डेट तक जितना भी नेगेटिव रेट जाएगा वहां तक का उसको मार्जिन देना ही पड़ेगा क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट 20 तारीख को ही एग्जीक्यूट होगा। 20 तारीख से पहले ना तो बायर डिलीवरी मांग सकता है ना सेलर डिलीवरी दे सकता है, उस पर्टिकुलर डे पर उस पर्टिकुलर टाइम पर ही वो डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इसलिए दोस्तों नेगेटिव ट्रेड भी कमोडिटी के अंदर फ्यूचर में हो सकता है। अब बात आती है कि जब नेगेटिव ट्रेड फ्यूचर में हो रहा है तो बायर को कितना नुकसान होगा? दोस्तों बायर को कोई नुकसान नहीं होगा, उसकी चीज वही $20 की ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि जब पर्टिकुलर डे पे 20 तारीख को वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तब तक का पैसा बायर से लिया जा चुका है, सेलर को दिया जा चुका है। अब वो रेट जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट की क्लोजिंग प्राइस से सेटल होगी यानी कि बायर को $40 प्लस माल दिया जाएगा और सेलर से $40 प्लस माल लिया जाएगा। लेकिन चूंकि यहां पर बायर ऑलरेडी $40 पे कर चुका था मार्जिन के, इसलिए जो मार्जिन के $40 वो पे कर चुका था, सेलर से जब उसको $40 मिले तो $40 उसका एडजस्ट हो गया, माल उसे मिला और उसके बदले उसको $20 ही देने पड़े। और सेलर ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं $20 में माल दूंगा, उसको $60 मिले लेकिन उसमें से $40 उसको बायर को देने पड़ गए माल के साथ में, तो उसको केवल $20 का ही प्रॉफिट हुआ। तो डिलीवरी सेटलमेंट में फ्यूचर के अंदर जाकर की वो चीज एडजस्ट हो गई, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। ट्रेड चूंकि $20 पे हुआ था तो इफेक्ट भी उनके $20 का ही आना चाहिए, $60 का प्रॉफिट या $60 का लॉस नहीं हो सकता। बट ये कब होगा? जब आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी बेस्ड होगा। अब बात आती है कि अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नॉन डिलीवरी बेस्ड है तो
तो क्या तब भी उसको माइनस तक का पैसा लिया जाएगा दिया जाएगा? दोस्तों नहीं, यहां पर उसको जो कॉन्ट्रैक्ट, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है लेकिन जिसमें डिलीवरी नहीं है, उसकी प्राइसिंग जीरो पर आकर के रुक जाएगी, ट्रेडिंग रुक जाएगी, क्योंकि उससे बिलो वो जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि जब एक ट्रेड किया गया तो वो पर्टिकुलर $20 पे किया गया, एक कमिटमेंट हुई कि मैं इस माल को $20 में खरीदूंगा और एक कमिटमेंट हुई कि मैं $20 में इस माल को दूंगा। अब फ्यूचर में प्राइसिंग यदि जीरो तक होती है और मान लीजिए उसकी रेट आपने $20 में खरीदने के लिए कहा है और आप प्राइसिंग अगर $10 हुई है तो आप $10 में माल बेच सकते हो, अपना लॉस बुक कर सकते हो या प्रॉफिट बुक कर सकते हो, आप खुले हैं उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीरो होने के बाद में चूंकि यहां पर फिजिकल लायबिलिटी आपके ऊपर इन्वॉल्व नहीं है तो यहां पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, नॉन डिलीवरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जीरो से नीचे नहीं जाएगा। क्योंकि अगर जीरो से नीचे गया और आपने उसको मान लीजिए -$40 पर सेटल कर दिया तो बायर से आप कितना लेंगे? $60। सेलर को कितना देंगे? $60। ट्रेड कितने में हुआ था? $20 में। तो 20 तारीख को बायर को तो $20 का ही वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाहिए, $60 का कैसे पढ़ सकता है? क्योंकि फिजिकल सेटलमेंट के अंदर उसको माल भी मिलेगा, $40 भी मिलेंगे, तो उसकी इफेक्टिव प्राइस $20 होगी। लेकिन नॉन डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यदि आपने उसको माइनस में ले जाकर सेटल कर दिया तो वहां पर बायर को उसकी कॉस्ट $60 की पड़ जाएगी और सेलर को $60 का फायदा होगा, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, लॉजिकली ठीक नहीं है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, वो फिजिकल और नॉन फिजिकल के लिए अलग अलग लॉस प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकता। जब कॉन्ट्रैक्ट एक है, उसके रेट एक है, तो बायर का लॉस प्रॉफिट अलग अलग नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। कहां होता है? इक्विटी मार्केट में होता है। एक कंपनी जो 5,000 करोड़ रुपए की है और शेयर मार्केट में लिस्टेड है, शेयर मार्केट में उसकी कीमत ₹100 है, 5,000 करोड़ की कंपनी है, शेयर का भाव ₹100 है। जब आप ₹100 का शेयर खरीदते हैं, जब 5,000 करोड़ की कंपनी 50,000 करोड़ की हो जाती है तो आपके ₹100 के शेयर की वैल्यू भी ₹1,000 हो जाती है। लेकिन बेशक आप शेयर होल्डर हैं लेकिन आपको उस कंपनी के अधिकार नहीं मिले हैं। लेकिन जब वो प्राइस मान लीजिए नीचे हो जाती है, वो 1,000 करोड़ की कंपनी रह जाती है, तो यहां पर शेयर का प्राइस भी ₹10 आ जाता है। लेकिन जब वो कंपनी माइनस में चली जाती है, 5,000 करोड़ का कर्ज आ जाता है, बुक वैल्यू माइनस हो जाती है, तो आपकी शेयर की वैल्यू जीरो से नीचे नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है दोस्तों? वो इसलिए नहीं जाती है क्योंकि यहां पर आपने केवल उसके शेयर्स परचेस किए हैं, राइट्स आपको नहीं मिले हैं कंपनी के। इसीलिए दोस्तों एक प्रमोटर जो 100% अपनी इक्विटी बेच देता है तब भी वो उस कंपनी का मालिक बना रहता है। और आज अभी अगर किसी कंपनी के 20% शेयर खरीद लेंगे तो आप उस कंपनी के मालिक नहीं बन जाएंगे। वहां भी आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होने के लिए बहुत सारे अलग नॉर्म्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये ट्रेड होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कभी भी जीरो से नीचे नहीं जा सकता है क्योंकि वहां पर फिजिकल सेटलमेंट नहीं है। जिस रेट में आप कोई चीज खरीदने का कमिट कर रहे हैं आपको उसी रेट तक का ही पैसा देना पड़ेगा, उससे ज्यादा पैसा आपसे नहीं लिया जा सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नॉन डिलीवरी है। और जो -$40 का जो कंडीशन है वो डिलीवरी पर एप्लीकेबल हुआ है क्योंकि वहां पर वेयरहाउस खाली कर रहे हैं और भी बहुत सारी कंडीशन एप्लीकेबल है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे एक कंपनी जो घाटे की होती है एनसीएलटी में जाती है, वहां पर कुछ कोई और उसे खरीदता है और यहां पर आपकी इक्विटी को 100 इक्विटी शेयर होता है उसको 2, 10 या 1 शेयर कर दिया जाता है और बाद में वो व्यक्ति उस कंपनी को ऊपर ले जाता है और आपके शेयर वहीं के वहीं पड़े रहते हैं क्योंकि आपका लॉस प्रॉफिट सब अलग तरीके से कैलकुलेट होगा और फिजिकल बायर का अलग तरीके से कैलकुलेट होगा। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट जो फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है फिजिकल, जिसमें फिजिकल डिलीवरी कंपलसरी है, वो आपका नेगेटिव ट्रेड कर सकता है। लेकिन नॉन डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट जो आपका है वो कभी भी नेगेटिव ट्रेड नहीं कर सकता क्योंकि अगर नेगेटिव ट्रेड कर देंगे आप उसको तो आपका लॉस टोटल कॉस्ट से ज्यादा हो जाएगा जो नहीं हो सकता। अब दोस्तों बात आती है क्या ऐसा किया जा सकता है कि
बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि एक रुपए पे सेटलमेंट जो हुआ था पहले बिल्कुल सही था, बाद में जो -2884 में किया वो गलत है। अब बात आती है कि रूल बुक में ऐसा लिखा हुआ है, तो दोस्तों एक भी आपको और समझना पड़ेगा, एक होता है लॉ, एक होता है नियम। कानून और नियम में एक बहुत बड़ा फर्क है। कानून संसद बनाती है, एक प्रक्रिया होती है, संवैधानिक प्रक्रिया होती है, उसके आधार पर कानून बनता है, और कानून कभी भी बैक डेट में लागू नहीं होता। बट नियमों की समीक्षा हो सकती है, नियम को आप दोबारा से डिफाइन कर सकते हो, कानून को नहीं कर सकते। कानून पर पुनर्विचार हो सकता है कि इसे लागू करा जाए या नहीं किया जाए, किया था तो सही था कि नहीं था, इसे कुछ अमेंडमेंट करना है क्या, लेकिन नियम आपके सुधारे जा सकते हैं। क्यों, कैसे, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, आपने वहां पर स्टैंप ड्यूटी दी, आपने रजिस्ट्री करा ली, अगले दिन गवर्नमेंट एक ऑर्डर जारी करती है कि स्टैंप ड्यूटी इतने परसेंट है, कल से लागू होगी या दो दिन पहले से लागू होगी। आप देखिए दोस्तों, डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है कि आपको इतने रुपए डिफरेंस का स्टैंप ड्यूटी और चुकानी है, तभी आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम होगी। ट्रेडिंग के कुछ नियम होते हैं जो अलग अलग जगह पर एप्लीकेबल होते हैं, उसको आप सबको एक जगह ला करके नहीं देख सकते। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी हमको यही चीज समझनी पड़ेगी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, नॉन डिलीवरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जीरो से नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ही वो जीरो से नीचे जाएगा, पर्टिकुलर ट्रेड पर दो अलग अलग बायर के प्रॉफिट और लॉस भी डिफरेंट हो जाएंगे, जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से ठीक नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या कहता है कि पर्टिकुलर रेट पर सेटल होना चाहिए, यानी जहां प्रॉफिट लॉस फिजिकल बायर का, कॉमोडिटी फ्यूचर ट्रेडर की डिलीवरी बेस्ड कर रहा है उसका, और नॉन डिलीवरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, तीनों का लॉस प्रॉफिट बराबर होना चाहिए, उसमें अप एंड डाउन नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये कंप्लीट केस स्टडी थी जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया। बहुत मेहनत करनी पड़ी है दोस्तों मुझे, बहुत कुछ सीखना समझना पड़ा है, देखना पड़ा है, प्रैक्टिकल अप्रोच में देखना पड़ा है, बहुत लोगों से मैंने राय ली है, उनसे चीजों को समझा है, और उसके बाद जाकर मैं वीडियो आपके सामने बनाकर लेकर आया हूं। क्योंकि ये मैटर अभी कोर्ट में है, लेकिन बहुत से लोगों के मन में सवाल था क्या होगा क्या होगा। दोस्तों लॉजिकली अगर हम बात करेंगे, कानून के हिसाब से बात करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, नॉन डिलीवरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जीरो से नीचे नहीं जा सकता। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी बेस्ड जीरो से नीचे जा सकता है, नेगेटिव ट्रेड कर सकता है, क्योंकि उसमें बायर के लॉस प्रॉफिट में उस पर्टिकुलर रेट तक का इफेक्ट आएगा जिस रेट में वो खरीदने का कमिट कर रहा है, क्योंकि जैसे ही डिलीवरी डेट आएगी उसका वो लॉस प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएगा नेगेटिव वाला, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नॉट डिलीवरी वाले का वो एडजस्ट नहीं होगा। इसलिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जीरो से नीचे नहीं जा सकता नॉन डिलीवरी। अब एक प्रश्न और आता है दोस्तों, अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, नॉन डिलीवरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जीरो पे आ गया तो क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा? नहीं, वो तब तक खड़ा रहेगा जब तक 20 तारीख को वो सेटल डेट है, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट जिंदा रहेगा। अगर उस बीच में वापस से अगर मान लीजिए ट्रेड पॉजिटिव में होने लग जाता है तो वापस से उनको उसका एडवांटेज मिलेगा, लेकिन अगर लास्ट डेट तक वो उससे नीचे ही जाकर के सेटल हो जाता है तो आपको जीरो से ज्यादा लॉस नहीं होगा। ये ठीक उसी तरह से जैसे कंपनी का भाव, शेयर का भाव 5 पैसे पे आकर रुक गया, कंपनी 10,000 करोड़ के घाटे में चलेगी, 50,000 करोड़ के घाटे में चलेगी, आपके शेयर का भाव 5 पैसे ही है, लेकिन जैसे उस कंपनी ने ग्रो करी और 10,000 करोड़ की कंपनी हो गई, आपका 5 पैसे का शेयर वापिस से 10-20 रुपए हो जाएगा, जब तक कि कंपनी बंद नहीं हो जाती। कंपनी बंद हो गई उसके बाद सब खत्म। तो दोस्तों एक कंप्लीट केस स्टडी थी जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। अगर आपको यह पसंद आया है, मेरी केस स्टडी के अंदर आपको कोई चीज सही लगी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और ये वीडियो आप हर उस व्यक्ति को भी फॉरवर्ड करिए जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जहां पर कि ट्रेड नेगेटिव में जाने की खतरा बना रह सकता है या नेगेटिव में ट्रेड जा सकता है, तो आप उनको भी फॉरवर्ड कीजिए। दोस्तों ये चीज ऐसी है जो आज से पहले कभी नहीं हुई, नेगेटिव ट्रेड कभी नहीं हुआ आज से पहले, और शायद हो सकता है फ्यूचर में भी ना हो, लेकिन फ्यूचर में होगा या नहीं होगा यह अलग विषय है, हो सकता है फ्यूचर में भी हो। मान लीजिए कि पूरी दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल को खत्म कर दिया जाए कि अब इलेक्ट्रॉनिक ही वाहन चलेंगे, क्रूड ऑयल हम कंज्यूम ही नहीं करेंगे क्योंकि एनवायरमेंट को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तो हो सकता है कि जितना आपने जमीन से बाहर निकाल लिया उसको तो खत्म करना पड़ेगा ना, और आपके पास केवल 6 महीने का समय है, तो आपको यहां पर
क्रूड के प्राइसेस नेगेटिव जाते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास 6 महीने का समय है और लाखों बैरल का जो आपका स्टॉक है उसको आपको कंज्यूम करना है। आप जहां गोदामों में रख रहे हैं वहां का किराया लग रहा है आपके पास में, तो आपको वो प्राइसेस नेगेटिव में भी जाती हुई दिख सकती है। तो फ्यूचर में भी नेगेटिव में प्राइसेस हो सकती है, लेकिन चूंकि पहली बार ऐसा हुआ नेगेटिव में प्राइस गई है, तो यहां पर बहुत सारी चीजों को समझना भी जरूरी था कि कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव में जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा, ट्रेड होगा तो कैसे होगा, और अगर लॉस लिया जा रहा है एक्सचेंज की तरफ से तो क्यों लिया जा रहा है। ये कंप्लीट केस स्टडी आप लोगों के सामने मैंने रखी है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।